जी बिजनेस लॉ कैप फोर, आज टेस्ट टू की डिस्कशन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर वन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन अवेलेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर वन, ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल एट अ फेमस क्लॉथिंग स्टोर सना सिलेक्टेड अ ड्रेस फॉर फ्रॉम द रेक विद अ प्राइस टैग ऑफ आरएस 20,000 एंड ब्रॉट इट टू द कैश काउंटर। सना आस्क द कैशियर टू पैक द ड्रेस एंड हैंडेड ओवर हर क्रेडिट कार्ड फॉर द पेमेंट। उसने रैक से उठाया सूट और जाके कैशियर को पकड़ाया, वो अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, केस की पेमेंट कर लीजिएगा। हर एक्ट वॉज टू बी कंसिडर्ड एज इन्विटेशन टू एन ऑफर। नहीं है, क्यों? इन्विटेशन टू ऑफर जो है वो स्टोर वालों की तरफ से है, चीज़ों का डिस्प्ले करना ये इन्विटेशन टू ऑफर है। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, क्या उनकी तरफ से स्टोर वालों की तरफ से ये ऑफर है? नहीं, उनकी तरफ से ऑफर नहीं, ये इन्विटेशन टू ऑफर है स्टोर वालों की तरफ से। मेकिंग एन ऑफर, हाँ जी, वो अब ऑफर जो है वो अभी ऑफर दे रही है। मेकिंग एन एग्रीमेंट, नहीं ऑफर नहीं है तो फिर एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। पी फर्नीचर रोट अ लेटर टू बाबर स्टेटिंग वी हैव रिसीव्ड एग्जीक्यूट बेड साइड टेबल विच वी विल सेल टू यू एट अ वेरी फेवरेबल प्राइस। हम आपको टेबल भेजेंगे लेकिन बहुत ही मुनासिब कीमत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अबव इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? द लेटर इज एन ऑफर टू सेल, ऑफर वो कर रहे हैं ना इसको कि मैं आपको टेबल्स बेचूंगा, ऑफर तो है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द लेटर लेक्स द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफर, हाँ ऑफर है लेकिन फेवरेबल प्राइस, फेवरेबल प्राइस एग्जैक्ट अमाउंट यानी अमाउंट जो है वो सर्टन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। द लेटर कंटेन अ वैलिड ऑफर विच विल टर्मिनेट विद अ रीजनेबल टाइम, नहीं इसमें टाइम की जिक्र ही नहीं। द ऑफर मेड बाय अ लेटर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय अ लेटर, है वैसे ये भी सही कि अगर ऑफर थ्रू लेटर है अगर उसमें स्पेसिफाई करता है, लेकिन वे ये जो है वो इसने जो पूछा है वो यही है जो स्टेटमेंट में है। तो स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि फेवरेबल प्राइस जो है ये टर्म्स ये सर्टन नहीं है। ऑन 1 सितंबर ऑन 1 सितंबर 2021 आर यू सेंड एन ईमेल टू सीपी ऑफरिंग टू सेल अ प्रिंटिंग मशीन फॉर 1 मिलियन विद द कंडीशन दैट द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय 10 सितंबर 2021। ये डेट जो है ना 1 सितंबर और 10 सितंबर ये इंपॉर्टेंट है। ऑन 3 सितंबर 2021 सीपी रिप्लाई टू आर ई, इन्होंने कब जो है ईमेल सेंड किया? 1 सितंबर को, 1 सितंबर को, और 10 सितंबर को एक्सेप्टेड बाय जी, हाँ जी, उसने जो है वो कंडीशन लगाई है कि आप 10 सितंबर तक इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑन 3 सितंबर 21 सीपी रिप्लाई टू आरी, डू यू नीड फुल पेमेंट अपॉन डिलीवरी और वुड यू एक्सेप्ट पेमेंट ओवर 3 मंथ, कि आप फुल पेमेंट लोगे या फिर इसको डिफर करें 3 महीने में आपको मैं पेमेंट कर दूं। आर ई रीड द ईमेल बट डिड नॉट रिप्लाई, उसने उसको जवाब दिया नहीं। ऑन 8 सितंबर आर ई सोल्ड द मशीन टू, उसने किसी और को भेज दी वो मशीन, क्योंकि अभी तक इसने एक्सेप्ट नहीं किया उसकी ऑफर, उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। वो अभी सोच रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि भैया आपने पेमेंट जो है वो लमसम टोटल अमाउंट लेंगे आप या इसको डेफर करेंगे। सब्सिक्वेंटली ऑन 9 सितंबर 21 सी पी सेंट ऑन ई मेल टू आर ई कम्युनिकेटिंग एट एक्सेप्टेंस। बाद में उसे 8 सितंबर जब उसने मशीन भेज दी उसके बाद उसे कह रहा है अगले दिन कि मैंने मशीन लेनी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और आपको मैं फुल पेमेंट दूंगा अपॉन डिलीवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कॉन्ट्रैक्ट वॉट एग्जीक्यूटेड ऑन 3 सितंबर विन सी पी फर्स्ट रिप्लाई टू आर ई, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आर ई एंड सी पी इज द मशीन वॉज सोल्ड ऑन 8 सितंबर, नहीं उसने मशीन भेज दी है ना 8 सितंबर को, तो उसने मशीन भेज दी। लेकिन वो आर ई और सी पी के दरमियान तो अभी नहीं है। आर ई कौन है जी जिसने ऑफर की है? ऑफर किसको की थी? सी पी को, लेकिन सी पी ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। 10 सितंबर तक उसके पास टाइम है क्या? ये से वो पूछ रहा है कि आपको पूरी पेमेंट चाहिए या आप जो है उसको डेफर कर सकते हो 3 मंथ में, ये काउंटर ऑफर है, आप ये कहना चाह रहे हो? ये काउंटर ऑफर है कि नहीं? अगर ये काउंटर ऑफर है तो ये ऑफर जो है ये तो इसी वक्त यानी 3 सितंबर को ही खत्म हो गई ऑफर, लेकिन ये काउंटर ऑफर नहीं है, वो सिर्फ उससे पूछ रहा है।
ये काउंटर ऑफर नहीं है, यानी इसको अभी जो टर्म्स हैं ये इसको नहीं पता कि क्या टर्म्स है इसकी, वो वेरीफाई करना चाह रहा है कि भाई आपको फुल पेमेंट मैं करूँ या हाफ पेमेंट करनी है मैंने, तो वो सिर्फ पूछ रहा है। यानी मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हम पूरा टेस्ट डिस्कस करें या आधा करें आज? ठीक है, आधा करें, आधा फिर कब करें, सेशन के बाद? ओके, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आरई सीपी और आरई के दरमियान तो अब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसकी ऑफर, उससे पहले है मशीन किसी और को उसने भेज दी। अब अगर वो एक्सेप्ट करता है इसको तो फिर ये वैलिड ऑफर होती, वैलिड एक्सेप्टेंस होती, लेकिन उसने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्टेंस का टाइम था, लेकिन क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस है? रिवोक किया जा सकता है अगर तो वो एक्सेप्ट कर ले, फिर नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो रिमेन साइलेंट है टिल द डेट तो फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है अगर वो साइलेंट रहता है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। आगे भी पढ़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड ऑन 8 सितंबर विद पीटी वाज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सीपी। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कब करेक्ट हो सकती है, किस एक्सेप्शन के साथ? ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड ऑन 8 सितंबर विद पीटी वाज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सीपी। नहीं, अगर सीपी ने एक्सेप्टेंस दे दी होती तो फिर तो वो उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, तो ये तो वैलिड एग्रीमेंट विद सीपी है। लेकिन उसने एग्जीक्यूट तो पीडी के साथ कर दिया। ये हो सकता है कि इस केस में कि वो कंसीडरेशन इसके साथ तय करे कोई, यानी जो 3 मंथ वाली बात उसने की है, अगर तो ये होता कि पेमेंट जो है मैं आफ्टर 3 मंथ करूँगा, ऑफर कंडीशनल हो सकती है, तो फिर ये वैलिड ऑफर होती। नहीं समझ आया, इसका मतलब ये है कि ये इस केस में वैलिड था। अगर वो ये कहता कि ये जो पेमेंट है ठीक है आप आज के डेट में ना करें, आप हर महीने मुझे पेमेंट दे दें, हाफ हाफ पेमेंट करके दे दें, या पूरी पेमेंट जो है वो आफ्टर 3 मंथ पे कर दें, ऐसे पॉसिबल है ना? वो ये कह सकता था कि मुझे आफ्टर 3 मंथ जो है ये पे कर दें आप, उसके बाद बेशक डेट जो भी इसने लिखी हो, लेकिन कंसिडरेशन तय हो गई कि उसने 3 महीने बाद उसे पे करनी है। ये एक कंडीशनल ऑफर होती अगर वो उसे कहता कि आप मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट कर दें, या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ये एग्री होते हैं कि मैं आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं जो वो पूछ रहा है, ये उसको क्लियर नहीं है। अब वो ये क्लेरिफिकेशन के लिए उनसे पूछ रहा है कि आपको लमसम पेमेंट अभी करूं या आपने 3 महीने बाद जो है उसको एक्सेप्ट करनी है पेमेंट। अगर तो ये एग्री होता कि 3 महीने बाद हमने पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, फिर ये डेट जो है वो हमारे लिए वैलिड ना होती, फिर ये ऑप्शन सही है। फिर अगर वो किसी और को भेजता तो फिर वो वॉइडेबल था, ऑफ आर ही नहीं होता। नहीं, आरी तो बेच रहा है, इसको इसने बेच दिया पीडी को, ठीक है मशीन चली गई पीडी के पास। अब अगर इसने ये इसके साथ एग्री कर लिया होता कि 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करो, मशीन आपकी है, उसके बावजूद वो पीडी को बेच देता है, तो फिर जो है वाइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी सीपी है। फिर इस केस में फिर वो चाहे इसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर ले, चाहे उसे कहे भाई मुझे कंपनसेट करो। क्लियर हो गया इसको कोई प्रॉब्लम? सर ये अभी इस वजह से ऑप्शन बी से वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, उन्होंने जो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि उसने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक, उससे पहले मशीन जो है वो सेल हो गई। बी ऑप्शन सही है क्योंकि आरई और सीपी के दरमियान तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने ऑफर को ही एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट था फिर ये एग्रीमेंट है। नहीं हुआ क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट वाज विद सीपी वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 9 सितंबर। नहीं, ये साइलेंस है 9 सितंबर को, उसने कुछ नहीं कहा उसे। नेक्स्ट चलते हैं, जाकिर सेंट अ लेटर टू रहमान ऑफरिंग हिम टू सेल हिज स्पोर्ट बाइक फॉर 50,000। इट वाज मेंशन्ड इन द लेटर दैट इफ रहमान वुड नॉट सेंड अ रिप्लाई विद इन 1 वीक द ऑफर शैल बी प्रिज्यूम टू बी एक्सेप्टेड। रहमान वॉज थ्रिल्ड टू परचेज द बाइक एट दिस प्राइस एंड देयरफॉर डिड नॉट रिप्लाई विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। वो चाहता भी था कि ये बाइक मैं परचेज करूँ, लेकिन फिर भी किसी वजह से उसने उसकी पेमेंट जो है वो नहीं की स्टेपुलेटेड टाइम, रिजनेबल टाइम में जो उसने बताया। इसमें वो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट को समझे कि जाकिर ने रहमान को ऑफर किया अपनी बाइक 50,000 इज अगेंस्ट कंसिडरेशन, और इसने साथ लेटर में ये भी मेंशन किया था कि अगर रहमान नॉट सेंड अ रिप्लाई विद इन वीक, अगर वो एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको कोई जवाब नहीं देता, द ऑफर शैल बी प्रिज्यूम टू बी एक्सेप्टेड। हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया।
रहमान्स कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. ये प्रोविजन कौन सी है? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. कंट्रैक्ट इज वैलिडेबल बिकॉज रहमान सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ द ऑफर. नहीं. कंट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज द ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल. रहमान साइलेंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड इज एक्सेप्टेंस. जी एग्जैक्टली ये करेक्ट है. नहीं वो उसने क्या. अब आप किसी को कहते हो कि आपने मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर जवाब देना है. मैं आपको कहूं कि 10 मिनट के अंदर आपने 40 मिनट का पेपर सॉल्व करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? आपके लिए शायद ये पॉसिबल होगा कि आप जल्दी से अपना नाम लिखे, दो एमसीक्यू सॉल्व करके मुझे देने ये लें. लेकिन बाज दफा ये नहीं भी हो सकता, ये पॉसिबल नहीं भी होता. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? रहमान्स कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. क्या ये एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस है? कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज रहमान सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस ऑफ द ऑफर. कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ द ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल. या रहमान साइलेंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस. ये करेक्ट ऑप्शन है डी. On 28th February, Fahd offered to sell his car to Rafe for 2 million. बाद में फहद की डेथ होती है 2 मार्च. रफे वाज नॉट, उसे पता ही नहीं है कि फहद की डेथ हो गई. अच्छा फहद कौन है? ऑफरर है या ऑफरी है? ऑफरर. और ऑफरी कौन है? रफे. एंड सेंट एन एक्सेप्टेंस टू फहद ऑन 7 मार्च. वो बेचारा इस दुनिया से चला गया, अब जो है वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द ऑफर. इसका मतलब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है जो बता रहे. द ऑफर वाज, अच्छा नहीं किया, सोल्यूशन देख रहे होंगे. द ऑफर वाज रिवोक्ड ऑन 2nd March 2022. क्यों? उसकी डेथ हो गई. ऑफरी के लिए जरूरी है कि पता चले कि उसकी तो डेथ हो गई, उसके बाद वो कैसे दे सकता है? ऑफरी के कम्युनिकेशन पे जब तक पहुंच के रह सकते हो, जब तक नहीं उसके ज़हन में तो आया, उसके ज़हन में तो यही है कि वो जिंदा है. अच्छा, ही इज अवेयर ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर. फहद लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू सेल द कार टू राफे. कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिडेबल एट द ऑप्शन ऑफ फहद लीगल रिप्रेजेंटेटिव. नहीं, उसकी तो डेथ हो गई, अब चाहे वो करें ना करें, तो जाने वाले तो चले गए, हम क्या करें. फहद लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट बाउंड टू सेल द कार टू राफे. बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल. इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बाउंड है पेमेंट के लिए. अच्छा, अगर यहाँ पे राफे होता, राफे की डेथ होती, फिर ये केस कैसे बनता? फिर जो है एग्जैक्टली फिर ऐसी होता कि ऑफरर के डेथ के साथ ही ऑफरी. क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है. पार्ट ए, व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक. हम प्रपोजल को कब रिवोक नहीं कर सकते, भी साबित है. व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड. भी साबित है. ओके, व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड. आप क्यों परेशान? आपने भी अभी भी जान किए नहीं बताएंगे? बता दें यार, 60 के बाद. ठीक है एवरेट वालों, आप लोगों ने भी फीस दे दी है. ये तो भाई सो रहे हैं, उठ जाए भाई. अच्छा परेशान हो गया, पता नहीं. मैं तो बिजनेस लॉ के क्लास में आया था, ये कौन सी क्लास चल रही? ठीक है. नहीं सही, तो आप लोग तो बता नहीं रहे थे. आप लोगों ने भी फीस दी थी ना, तो आप लोग बता देते. नहीं नहीं मुझे समझ आ, मैंने पूछा था ना, आपने थोड़ी पूछा. नहीं ना, आप कहने थे. ए ऑफर टू सेल हिज हॉर्स टू बी एट अ प्राइस ऑफ 2 मिलियन एंड प्रोमिस टू कीप द ऑफर वैलिड टिल 30th April. 30 अप्रैल तक खुला टाइम दिया उसने. ए रिवोक हिज ऑफर ऑन अप्रैल 28. बी एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन 29th April. उसने 28 को जो है वो अपनी ऑफर जो है वो वापस ले ली, लेकिन 29 अप्रैल को वो
एक्सेप्ट करता है उसको और क्लेम करता है कि सिंस ही एक्सेप्टेड द ऑफर अनएक्सपायरी ऑफ इट्स वैलिडिटी, ये बी कह रहा है, वो बी कह रहा है कि उसने एक्सेप्ट की है आफ्टर बिफोर एक्सपायरी, देयर फोर देयर इज वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड ए. कमेंट ऑन द क्लेम मेड बाय बी. तो ठीक है ना, वैलिड है ये, तो इसके वैलिड. उसने तो टाइम दिया है, वेल 30 अप्रैल तक तो उसने टाइम दिया है, क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो? लेकिन उससे पहले, जो एक्सेप्टेंस से पहले उसने रिवोक किया अपनी ऑफर को, एक्सेप्टेंस से पहले वो रिवोक कर सकता है. अच्छा, अब ए वेयर इज ए क्लेम दैट द ऑफर वॉज विदड्रॉन बिफोर द एक्सेप्टेंस बाय बी, देयरफॉर देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. क्लेम बाय ए, ए क्या कह सकता है वो, ये वैलिड है कि नहीं, ये क्यों वैलिड है? उसने तो एक्सेप्ट कर लिया, उसने 30 कैमरे की तरफ देख, ये ऑफर टू सेल, ए ने जो है वो ऑफर की है और उसे टाइम दिया है कि 30 अप्रैल तक आप जो है वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. ए ने इसको रिवोक किया कंसिक्वेंटली 28 अप्रैल को, और 29 को वो दोबारा इसको एक्सेप्ट करता है, रिवोकेशन के बाद एक्सेप्ट करता है. अब हमने ये देखना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ए है या फिर बी. अगर तो इसे पता चल गया, उसे कम्युनिकेट हो गया कि ऑफर रिवोक हो गई है, फिर वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता. अगर अभी नहीं हुई ऑफर रिवोक, उसे नहीं पता चला, उसे ये रिवोकेशन कम्युनिकेट नहीं हुई, फिर वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है. इज अगेंस्ट ऑफर और इज अगेंस्ट ऑफरी का उसूल है ना ये, ठीक है. यही लिखेंगे कि इज अगेंस्ट बी जो है वो उसको आफ्टर रिवोकेशन करता है, अगर उसे पता है, उसके इलम में है, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है. और हमने डेट्स भी मेंशन करनी है कि इस डेट पे वो उसको रिवोक उसने किया और इस डेट पे उसने एक्सेप्ट किया. ठीक है, क्लियर हो गया ये सवाल. अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हमने तो पढ़ा था एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. कुछ एक्सेप्शंस भी थी, वो कौन सी एक्सेप्शंस थी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंप्लीटेड गिफ्ट. ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन 10 दफा हो गया जी. पार्शियल एंट्री एक्ट, टाइम बार डेट, अदर कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया. रिप्रोडक्शन का सवाल था. अहमद ऑफ लाहौर ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू बाबर ऑफ कराची, कराची फॉर 1 million. द लेटर ऑफ ऑफर वॉज पोस्टेड ऑन 1 अप्रैल विच रीच्ड बाबर ऑन 5 अप्रैल. बाबर पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑन 7 अप्रैल विच रीच्ड अहमद ऑन 11 अप्रैल. अब ऊपर जैसे वो हमने सवाल किया है, सेम ये भी ऐसे ही है. डेट में वो हमें घुमाएगा, डेट्स देखिए कि इस वक्त जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है और इस वक्त इस डेट पे उसने ऑफर किया है. तो वो पूछते हाउ वुड द कॉन्ट्रैक्ट बी अफेक्टेड इफ अहमद पोस्ट अ लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर ऑन 6 अप्रैल. 6 अप्रैल को वो रिवोक कर रहा है, उसने ऑफर कब किया? ऑफर वॉज पोस्टेड ऑन 1 अप्रैल. उसने ऑफर 1 अप्रैल को किया. बाबर को जो है ऑफर कम्युनिकेट हुई है 5 अप्रैल को, यानी ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है. बाबर पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 7 अप्रैल, लेकिन वो 6 को ऑफर रिवोक कर रहा है. विच रीचेज बाबर ऑन 10 अप्रैल, वो 10 अप्रैल को उसके पास जो है वो रिवोकेशन पहुंच रही है. उसने 7 को एक्सेप्ट किया है, उसने 7 ये भी लिखा है पोस्टेड हिज लेटर. अगर ये वो सिर्फ कहता कि उसने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन पोस्टेड ना कहता, तो फिर तो ये रिवोकेशन जो है वो वैलिड रिवोकेशन नहीं होती. फिर उसने कह दिया कि उसने पोस्ट किया है, जब उसने पोस्ट कर दिया तो बस उसकी तरफ से खत्म जी. इस वजह से नहीं करता पोस्ट का, यही मतलब है. बाबर डिस्पैच, अगर वो ये ना लिखता पोस्टेड का वर्ड, तो हम ये ज़ूम करते कि इसके पास अभी दराज में ये इसके जेब में वो लेटर पड़ा हुआ है, उसने अभी पोस्ट नहीं किया, वो अभी ये सोच रहा है
तो फिर ये रिवोकेशन वैलिड रिवोकेशन होती, क्योंकि जब वो पोस्ट नहीं करेगा 10 अप्रैल वो बताएगा भी नहीं कि किस डेट पे उसने पोस्ट की है, तो जब ये रिवोकेशन इसके पास पहुंच गई तो ऑफर रिवोक, ऑफर खत्म। बाबर डिस्पैचेस अ टेलीग्राम कैंसलिंग हिज एक्सेप्टेंस विच रीचेज अहमद ऑन 10th अप्रैल। उसने जो है 7 अप्रैल को पोस्ट की है, अहमद को 11 को यह पहुंची है, लेकिन उसने 10 अप्रैल को जो है उसे ये उससे पहले पता चला कि वो उसे रिवोक कर रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन 11 अप्रैल को जो है उसे पता चला है, उसे लेटर जो है उसके पास पहुंच गया है। अब जो है बाद में वो सबसिक्वेंटली उससे पहले जो है 10 अप्रैल को जो है उसने जो लेटर पोस्ट किया था वो उसे पहुंच गया, उसके पास चला गया। वो कर सकते हैं, वो कर सकता है बाबा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, टेलीग्राम पे कर सकता है बिल्कुल, उसने बताया नहीं है कि टेलीग्राम पे है या बाय पोस्ट आपने करना है, उसने जो है उसे बताना है, चाहे कॉल करें या किसी बंदे को उस वहाँ पे भेजे, बस कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि भाई मैं ऑफर जो है वो रिवोक कर रहा हूँ। BT इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर। BT अग्रीड टू सप्लाई 250 राइस कुकर टू FSC अगेंस्ट इन एडवांस पेमेंट ऑफ 5 लाख। That the price cooker would either be imported or smuggled from Korea. Discuss status of contract between BT and FC. ये केस कौन सा है, कौन सी रिलेवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी होगी? अल्टरनेट प्रोमिसेस बीइंग लीगल, अगर उसमें लीगल पार्ट है विल बी इम्पोज्ड और लीगल और इलीगल जो पार्ट है विल नॉट, वो वाइड है। तो ये इम्पोर्टर जो है वो तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो ठीक है, वो वैलिड है, लेकिन जो स्मगल्ड है वो वैलिड नहीं है बीइंग इलीगल। हाँ जी, हो गया टाइम। ठीक है जी, यहाँ पर डिस्कशन एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।